पत्थरों से आकार बनता है, पैसों से व्यापार बनता है। पत्थरों से आकार बनता है, पैसों से व्यापार बनता है। जब होती है माँ सरस्वती की असीम कृपा, तब जाके इन जैसा कलाकार बनता है। गाइस, तो आप लोग कैसे हैं? हम लोग आ चुके हैं BHU के मधुबन पार्क में और यहाँ पर एक आर्ट कॉम्पिटिशन होने वाला है और आज की ब्लॉगिंग हमारी प्यारी विजयलक्ष्मी जी करने वाली हैं। प्यारी, आज आदित्य पेंटिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसकी जो भी पेंटिंग्स होंगी, ये चंदन और जो भी हमारे जिन्हें मैं जानती हूँ पेंटिंग कॉम्पिटिशन में आज हैं, तो वो कैसा प्रदर्शन करते हैं उनके बारे में हम आपके साथ साझा करेंगे। तो फिर मिलते हैं पेंटिंग कॉम्पिटिशन में आप लोगों के साथ। मधुबन का मैदान ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स पेंटिंग प्रतियोगिता में विभिन्न कॉलेजों से जो भी पेंटिंग में रुचि रखते हैं सभी इस पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है और सभी पार्टिसिपेंट्स अपनी अपनी कला प्रदर्शित करते हुए और बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। और आज नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के तरफ से पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें आदित्य और चंदन जिन्हें हम जानते हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो पेंटिंग में इंटरेस्टेड है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये पेंटिंग प्रतियोगिता निर्धारित समय पर शुरू हो चुकी है और जैसा आप देख सकते हैं कि पेज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य शुरू हो चुका है और इस सादे पन्ने को यहाँ बैठे भविष्य के आर्टिस्ट रंग बिरंगे रंगों से अपनी कला से भर देंगे और अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। सर्वश्रेष्ठ कलाकृति को पुरस्कृत भी किया जाएगा और ये प्रतियोगिता का शुभारंभ होते हुए और आदि भी अपना पेज लेके बैठ चुका है स्टूडेंट्स और यूनियन ऑफ इंडिया के, और सभी लोगों ने यहाँ प्रॉपर मास्क पहना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वो कर रहे हैं। सारे कैंडिडेट्स जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख करके अपने कॉलेज का नाम और फोन नंबर लिख सकते हैं। और सभी पार्टिसिपेंट्स अपने अपने निर्धारित सीट पर टोकन लेकर बैठ चुके हैं और प्रतियोगिता थोड़े ही पलों में आरंभ होने वाली है। पेज डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं पार्टिसिपेंट्स को, पार्टिसिपेंट्स सब प्रिपेयर हो रहे हैं और अनाउंसमेंट हो रहा है कि समय हो चुका है पेंटिंग प्रतियोगिता आरंभ होने की। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा यह सार्थक पहल है जिसमें कलाकारों को एक सुनहरा मौका प्रदान किया गया है इस प्रतियोगिता के माध्यम से, जिसमें वे अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए सारे कलाकार अपनी कलाकृति को विभिन्न रंगों से उकेरने के लिए तैयार हो चुके हैं और चलते हैं आदि के पास। आदि भी स्केचिंग शुरू कर चुका है। क्या बना रहे हो? क्या बना रहे हो? गांधी जी के ऊपर ही अपनी पेंटिंग बना रहे हैं। इसी तरह बाकी कलाकार भी अपनी अपनी कलाकृति बनाना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि प्रतियोगिता का समय आरंभ हो चुका है और निर्धारित समय सीमा के अंदर इन्हें अपनी प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाना है। टीयर्स भी काफ़ी सक्रिय हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराना, उन्हें टोकन देना, उन्हें निर्धारित सीट पर बैठाना। दे ऑल आर एक्टिव कि प्रतियोगिता में कहीं कोई कमी ना रह जाए और किसी भी प्रतिभागी को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। देखिए चंदन अपनी पेंटिंग का थीम क्या रखे। चंदन हेलो, पेंटिंग का थीम क्या है? नारी सम्मान। चंदन की पेंटिंग का थीम है और ये बनाना शुरू कर चुकी हैं और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम आपको दिखाएंगे। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रतियोगिता आरंभ हो चुकी है।